आप सबको गणेश चतुर्थी के इस उल्लासमयी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम चर्चा करेंगे गणेश जी के बारे में, आज चतुर्थी के बारे में, और कैसे गणेश जी बहुत रिलेटेड हैं एक ऐसे डिस्कशन से जो हमारे सनातन धर्म को लेकर बहुत होता है कि हमारे धर्म की हिस्ट्री अगर हजारों हजारों साल पुरानी है तो उसके अवशेष इतने कम क्यों मिलते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो गणेश जी के बारे में ये मेंशन आता है कि गणेश जी ने आज ही अपना प्राकट्य या फिर माता पार्वती ने उन्हें प्रकट किया था आज ही के दिन। और हमने वो सारी स्टोरी सुनी होंगी कि किस प्रकार से माता पार्वती ने गणेश जी को अपने आप को गार्ड करने के लिए वहाँ पर खड़ा किया था। फिर शिव जी आते हैं, फिर शिव जी वो करते हैं और फिर एक हाथी का सिर उनको लगाया जाता है। पर गणेश जी इतनी ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। आप सबको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, मार्कंडेय पुराण में ये वर्णन तक है कि गणेश जी शिव जी और पार्वती के विवाह में भी उपस्थित थे। और चतुर्थी के दिन क्या इतना स्पेशल है? ऋग्वेद के अनुसार ये बताया जाता है, विनायका नाम वेद प्रिया भद्रपद चतुर्थी यज्ञ प्रियः, कि विनायक को यानी गणेश जी को भद्रपद की ये चतुर्थी बहुत प्रिय है। इसी वजह से इस दिन स्पेशली गणेश जी की पूजा और उनकी अर्चना की जाती है। तो जो डिवोटीज होते हैं, जो उनके भक्त लोग होते हैं, तो 5-10 दिन पहले जो विग्रह लाते हैं उसको भक्ति भाव से प्राण प्रतिष्ठित करके फिर नेक्स्ट फेज़ में उनकी क्या करते हैं, षोडश उपचार, अलग अलग सामग्री उनको ऑफ़र की जाती है। फिर इन पूरे दिनों में उनके लिए कीर्तन भजन इत्यादि होकर फिर उनके लिए उत्तर पूजा परफॉर्म की जाती है और फिर आज के दिन उनको विसर्जित किया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल रूप से तरीका है किसी भी अर्च विग्रह को की उपासना के लिए। तो उनको भी आज के दिन इसीलिए हम इस तरीके से पूजा करते हैं। और यही नहीं, जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव है ये छत्रपति शिवाजी के समय से चलता आ रहा है। और स्पेशली ये इतना प्रचलित कब से हो गया, जब लोकमान्य तिलक ने इंडिपेंडेंस के समय के आसपास ये बोला था कि अब इसको खूब हमें बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करना चाहिए, तब घरों से निकलकर लोग इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जगह पर इसका ज़्यादा सेलिब्रेशन है। पर अपने आप में कोई भी फेस्टिवल होता है, सनातन धर्म के लोग सारे इकट्ठे आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ता ही है। जो दूसरी बात हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश जी से रिलेटेड, वो है ये कि बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि सनातन धर्म अगर हजारों हजारों साल पुराना था, और हम तो सिर्फ हजार नहीं, हम तो युगों में बात करते हैं, त्रेता युग, सत्य युग, ऐसे युगों की बात करते हैं, तो उसके इतने अवशेष क्यों नहीं है। इस बारे में गणेश जी हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू दे सकते हैं, वो ये कि हमारी जो परंपराएं रही थी वो श्रुति परंपराएं रही थी, कि ये पूरा ट्रेडिशन ही ऐसे आता था कि सुनकर नॉलेज को आगे ट्रांसमिट करना। तो पहले के ज़माने में ये ट्रेडिशन होता ही नहीं था कि लोग हर चीज़ को लेकर उसको लिखेंगे, उसको पत्थर में गढ़वाएंगे। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, हमारे दादा परदादा इन सब के नाम कहीं पर गड़े नहीं हुए, किसी एक दो के घर पर ऐसा हो सकता है। हम सबको पता है हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, ये समय से चला आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस थी कि हमारा कल्चर इतने लंबे समय से आ रहा है, तो किसी भी व्यक्ति ने उसको डॉक्यूमेंट करने का नहीं सोचा। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन हमें याद करना चाहिए कि गणेश जी ने जब महाभारत को ट्रांसक्राइब किया था वेदव्यास के बोलने पर, तो हमारे से जिसने कलयुग को देखते हुए फाइनली स्क्रिप्चर्स को लिखने का सोचा था, इस किसी और कारण से नहीं। तो एक कारण बहुत बड़ा कि बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रूफ्स, कई सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसका एक कारण ये है कि हमारी परंपरा बाकी युगों में श्रुति परंपरा के माध्यम से चलती है। सिर्फ कलयुग में स्क्रिप्चर्स को लिखा गया, गणेश जी ने उनको लिखा। तो गणेश जी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी है कि उनकी वजह से, सिर्फ उनकी वजह से आज हमारे पास, कि गणेश जी की वजह से, सिर्फ उन्हीं की वजह से आज हमारे पास भगवद्गीता है। तो ये छोटी सी भगवत गीता में, जिसमें पूरे दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है, ये गीता भी हमारे पास गणेश जी की वजह से है। गणेश जी ने पूरी महाभारत ट्रांसक्राइब की थी, तो ऑब्वियसली गीता भी उन्हीं की कृपा से हमारे पास है। तो आज के दिन हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि गीता अगर हमने अभी तक डेली पढ़नी शुरू नहीं की है, तो एटलीस्ट अब आप सब डेली पढ़ना शुरू करें भगवद गीता को। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।